जय श्री राम गाइस। और आज काफ़ी अच्छा मौसम है और इसी मौसम में हमने सोचा है कि हमारी ड्यूक है जो, अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ड्यूक, तो हमने लास्ट व्लॉग में बोला था कि बिक रही है और लास्ट व्लॉग है, तो गाइस अभी हमने मतलब इसको बेची नहीं क्योंकि कोई ग्राहक अच्छा मिल नहीं रहा है, तो देखते हैं कोई मिलता है कि नहीं। बाकी आज हम लोग इसका रैप उतारने वाले हैं कि हो सकता है थोड़ा रैप उतार देंगे तो लोग थोड़ा देख लेंगे क्या नई टाइप की है। तो और ये देखो राइडर को, हमारे यहाँ की राइडर। तो अभी हम लोग इसका रैप उतारते हैं और फिर इसको आपको दिखाएंगे कैसी लग रही है, क्योंकि तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि भाई रैप उतार दो तो गाड़ी और अच्छी लगती है, तो आज हम लोग इसका रैप उतारते हैं। सो गाइस गाड़ी अभी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है तो हमने कहा पहले रैप उतार लेते हैं, तो बीमा भी यहाँ पर लगा देगा गाड़ी को, यहाँ पर लगा लेते हैं फिर इसका जो भी है आपको बताते हैं कैसे खुलेगा फेयरिंग और कैसे हम इसका रैप उतारते हैं। A few moments later. So guys, हम लोग ने पहले सीट खोली और फिर इसके पाने निकाले और जो मेन चीज़ है वो ये है हेयर ड्रायर, क्योंकि ये नहीं होगा तो रैप हम उतारेंगे कैसे, तो इससे हम लोग इस रैप को गर्म करके उतारेंगे। बट उससे पहले हमको इसको पहले अपन रख देते हैं, अपन को पहले यहाँ के जो स्क्रू दिख रहे हैं आपको ये वाले, ये और ये स्क्रू, ये अपन को खोलने पड़ेंगे तभी जाके अपना ये फेयरिंग निकलेगी, फिर अपन इसको पूरा रैप को हटाएंगे। तो इसको हम लोग अभी खोल लेते हैं, हमारे पास जो एलन की है वो टूल बॉक्स ही मिल गई है तो इसको अपन खोल लेते हैं। सो गाइस हम लोग अभी खोल रहे थे इसको तो हमको पता चला भाई इसको खोलने के लिए सीट भी निकालनी पड़ेगी, तो ये सीट को भी हम लोग निकाल लेते हैं जो कि बहुत इजी तरह से निकल गई है, इसको रख देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है क्योंकि गाड़ी यहाँ से साफ़ नहीं होती कभी, इसी में रख दूँ अभी है। और अभी हमको यहाँ वाले भी स्क्रू खोल रहे हैं क्योंकि ये भी मेन खुलेंगे तभी तो ये निकलेगा। सो गाइज आपको इसको खोलने के लिए ना इसको आपको यहाँ से पूरे स्क्रू पहले अनस्क्रू कर लेना है, फिर जस्ट आपको इसको पीछे खींचोगे ना तो ये निकल आएगा साइड का। और देख सकते हो हमारी गाड़ी कैसी हो गई है, बेचारी बहुत ख़राब लग रही है। चलो इसको रख लेते हैं अभी। सो गाइज यहाँ से देखो बाइक कैसी लग रही है, एकदम खुली खुली जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। जो इस साइड की फेयरिंग है वो अभी इसको खोल रहा है, ये खुल जाएगी तो फिर दोनों तरफ का हमारा निकल जाएगा। तो हमारा ये कुछ इस टाइप से है आप देख सकते हो, इसका हमको जो है रैप उतारना है। अभी ये अंदर से तो ऑरेंज है और यहाँ से पूरा ये जो रैप है निकलेगा, हम लोग पूरा गर्म करके इसको वापस पूरा अनरैप कर देंगे तो वापस स्टॉक में अपनी गाड़ी बन जाएगी। और हमको अब देखना पड़ेगा कि स्टॉक में कैसी लगती है क्योंकि हमने क्यों एक डेढ़ साल हो गया ना इसको लगाए हुए, एक डेढ़ साल हो चुका है हमको रैप को लगाए हुए, तो हमने एक डेढ़ साल से मतलब स्टॉक अपनी देखी, कलर तो वैसा का वैसा ही होगा क्योंकि एक चीज़ आती है रैप से कि आपका भाई कलर पूरा ओरिजिनल रहता है, कुछ दिक्कत नहीं आती। तो अभी इसको खोलेंगे फिर आपको पूरा बताएंगे और इसको फिर धुलवाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। सो गाइज हम लोग अभी बाइक को अपनी पीछे निकाल रहे हैं, वहाँ पे खड़ी करेंगे और हमारे जो दोनों साइड के फेयरिंग है ये खुल चुके हैं आप देख सकते हो। तो हम लोग एक आपको वॉक अराउंड देते हैं इसका कि चारों साइड से बिना फेयरिंग की कैसी लग रही है गाड़ी, तो इसको खड़ी कर लेते अपन पहले। और गाइज हवा बहुत बढ़िया चल रही है, बस अभी ठंडक हो गया फिर से, अभी बादलों के कारण सूरज ढक गया है। और आप देखो अब गाड़ी को कैसी लग रही है। और गाइज आप देखो कैसी लग रही है, एकदम खाली खाली सी हो गई है, जो भी इसका ग्राफिक्स लगते थे पूरा खाली हो गया, यहाँ से देखो कितनी फ्लैट है एकदम। अब जो इसके पैनल्स थे उस पैनल्स का हम लोग रैप अनरैप कर लेते हैं, आपको बताते हैं कैसे कर रहे हैं और फिर इसको वापस फिटिंग करना पड़ेगा, तो पहले इसको अनरैप कर लेते हैं हम लोग। सो गाइज हमने हमारा ड्रायर को लगा लिया इसमें और अब इसको यहाँ से साइडों से पहले हीट करके पूरा निकालना पड़ेगा, तो हम लोग इसको हीट कर लेते हैं पहले फिर आपको दिखाते हैं आगे कैसा रहेगा। गाइज बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो इस चक्कर में हम लोग अंदर आ गए, अभी अंदर आके हम लोग इसको रिमूव कर रहे हैं। और आप देख सकते हो साइडों से थोड़ा थोड़ा हमने काट लिया है क्योंकि इसमें टेप लगाया ना साइडों में तो इसमें दिक्कत आ रही है, ये गर्म होकर नहीं निकल रहा है तो हमको इसको जस्ट कट करना पड़ रहा है फिर इसको निकालेंगे। ये इजीली उतर जाएगा बट इसका जो टेप है अंदर वाला ये नहीं निकल रहा है, तो इसको हम निकाल लेते हैं फिर आपको बताते हैं। A few moments later. So guys, बड़ी मेहनत के बाद ये इतना निकला है और आप देख सकते हो यहाँ का ड्यूक का आपको डी दिख रहा होगा, तो अभी इसको हम लोग पहले पूरा अनरैप कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि पैनल कैसा लग रहा है। और आप भाई अभी कंडीशन इसकी देख सकते हो कि भाई एकदम न्यू जैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जब ली थी ना वैसी कलर है, मतलब कलर में बिल्कुल एकदम कोई गिरावट नहीं है, रैप का ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो अभी हम लोग इसको पूरा अनरैप कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसा हो गया है। तो गाइज आप देख सकते हो ये इसका रैप उतर चुका है
और जो हमारा रैप है वो अब निकलने के बाद फ्रेम ऐसा लग रहा है इसका। और ये पैनल को देख सकते हो भाई, पूरा नया जैसा हो गया कसम से, जैसे हमने नया ली थी ना वैसा का वैसे लगा है। बस अब गाड़ी नहीं जैसी है, इसको हम लोग अभी वो वाला भी रैप खुल जाए फिर हम लोग फिटिंग करके देखते हैं कैसी लगती है गाड़ी और आपको भी दिखाते हैं। अभी हम लोग उससे पहले थोड़ी गाड़ी को धो भी लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है अंदर से, आपने देख ली होगा अभी। सो गाइस ये दोनों पैनल आप देखो कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम न्यू, और दोनों के हमने रैप उतार दिए हैं। बस इसका बैक से ये थोड़ी बहुत ब्लैक ब्लैक सा बच गया क्योंकि ये निकल नहीं रहा है, बहुत स्टिकी है, उसको हम और किसी चीज़ से निकालेंगे नहीं क्योंकि ये दिखेगा भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन ऊपर का था और साइड्स का था, साइड्स का हमने पूरा निकाल दिया है। अभी इसको हम लोग पूरा क्लीन कर लेते हैं, धो लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बाइक में फिट करेंगे और बाइक को भी क्लीन कर लेंगे। ये जो साइड से हमको जो भी अभी अभी इसमें धूल दिख रही है आप देख सकते हो, ये जैसे ये थोड़ा धूल है सबको हम लोग थोड़ा साफ़ कर लेते हैं फिर लगाएंगे, फिर एक पूरी बाइक को वॉश करवा लेंगे। तो अभी इसको हम लोग पैनल को साफ़ कर लेते हैं और फिर इसमें फिटिंग करेंगे। सो गाइज़ हम लोग ने गाड़ी को वॉश कर लिया है और पैनल भी वॉश हो चुके हैं आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत अच्छी खासी गंदगी निकल गई है। और अब हम लोग ये पूरी गाड़ी को हमने क्लीन कर दिया है, ये देखो ये पूरा क्लीन हो गया है। तो अब हम लोग इसका पैनल कस देते हैं गाइस और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसी होगी गाड़ी। One hour later. गाइस बड़ी देर की मेहनत के बाद हमारा जो फिटिंग का काम था वो हो चुका है और अब आपको फाइनल गाड़ी दिखाते हैं कैसी लग रही है। भाई कसम से बहुत मतलब नहीं लग रही है तो गाड़ी, अब आप खुद ही देखो और बताओ। सो गाइस अब गाड़ी देखो आप क्या बढ़िया लग रही है, पूरा एकदम जो नया वाला जो कलर था ना पूरा का पूरा वैसे ही है गाड़ी का, और एकदम ही लुक्स एकदम चेंज हो गए हैं, ब्लैक था तो अब एकदम ऑरेंज हो गया है ना, एकदम अलग लग रही है गाड़ी। और आप यहाँ से देखो कितना पेंट देखो, मतलब एकदम नया रखा हुआ है ये पेंट एकदम। और अब कैसी लग रही है गाड़ी कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला था कि भाई आप गाड़ी को स्टॉक कर दो वापस, स्टॉक बहुत अच्छी लगती है, तो अब स्टॉक कर दिए और आगे आपसे बात करते हैं कैसा क्या रहने वाला है। सो गाइस गाड़ी कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। सो गाइस हम लोग ने इसका रैप इसलिए उतार दिया क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है रैप उतारने से, और एक और चीज़ है कि हम लोग गाड़ी को ओएलएक्स पे डाल रहे हैं तो लोग भाई बोल रहे हैं कि भाई एक्सीडेंटल तो नहीं है, रैप क्यों लगाया है ऐसा वैसा, तो अब उनको समझाने में भी भाई कौन दिमाग ख़राब करे, हमने कहा रैप ही उतार देते हैं तो गाड़ी नई जैसी दिखेगी तो अपने आप ही लोग बोलेंगे हाँ भाई स्टॉक गाड़ी है बढ़िया है, तो हमने इसलिए रैप भी उतार दिया है। और गाइस अभी क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कंफर्म नहीं है गाड़ी, हो सकता है हमको सेल करनी पड़े, ऐसे मैंने ब्लॉग में बोला था लास्ट वाले में, तो अभी देखते हैं ये हफ्ते भर में कुछ अच्छी चीज़ें हो गई घर में पैसे वैसे आ गए तो अपन को सेल नहीं करनी पड़ेगी गाड़ी। आप लोग भी दुआ करो गाइस कि बढ़िया अपना कुछ काम हो जाए तो भाई हमको भी हमारी गाड़ी बेचने ना पड़े। और भाई मैं तो कहता हूँ किसी को अपनी गाड़ी या कुछ भी बेचना ना पड़े, किसी के घर में ऐसे वो नहीं आए, बट हमारी क्या करें अभी दिक्कतें बहुत चल रही हैं घर में, बता भी नहीं सकते आप लोग को क्या बोलें, गाड़ी नहीं बिकेगी तो अपन गाड़ी में आगे मॉडिफिकेशन सब कुछ तो करवाएंगे, अगर गाड़ी नहीं बिकेगी तो फिर क्या कराएंगे। तो अभी देखते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर बेचेंगे गाड़ी और उसका ब्लॉग भी बनाएंगे भाई, अगर जाएगी अपनी गाड़ी तो उसका ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे अपन। ये ब्लॉग में इतने गाइस, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट्स में बताओ, और ब्लॉग तो नहीं ये हमने बस एक रैप उतारा है तो इसको ब्लॉग तो नहीं कहेंगे अपन क्योंकि कहीं गए नहीं है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताओ। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज ज्ञानसन ब्लॉग साइनिंग ऑफ, जय हिंद वंदे मातरम।